2 seconds. Stop recording. Image. So hello guys, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका Tech with Vishal YouTube चैनल में। तो कम्युनिटी टैब की सीरीज बहुत लेट आ रही है, क्योंकि आप जो बोटिंग करते हो वो बहुत लेट करते हो और कम करते हो, है ना। तो आज तो 24 ही बोट है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही बताएंगे कि कम्युनिटी टैब में क्या सवाल था हमारा, आपका क्या आंसर था, कितने लोगों ने कितना परसेंट किसको वोट किया, पिक्सल लैब, थंबनेल मेकर और काइन मास्टर एप्लीकेशन, इन तीनों को मैंने कहा था। तो देखते हैं आप लोगों में किसने ज़्यादा किसको पसंद किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो आप बहुत कम करते हैं, कंजूसी मत किया करो, ठीक है। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 1800 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कराओ। उसके बाद गिव अवे वाली वीडियो आएगी, जल्दी से 1.8K सब्सक्राइबर कराओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल टेक विद विशाल। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैंने जो सवाल पूछा कि आप थंबनेल बनाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, उसमें मैंने चार ऑप्शन दिए थे, पिक्सल लैब, थंबनेल मेकर, काइंड मास्टर और नन ऑफ दीज, यानी आप किसी का भी यूज़ नहीं करते, आप थंबनेल नहीं बनाते। तो भैया 24 वोट्स इस समय आए, टोटल 24 लोगों ने वोटिंग की, इतने कम सब्सक्राइबर हैं जो थंबनेल एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, 1700 सब्सक्राइबर में से सिर्फ 24 लोग यूज़ करते हैं। भाई थंबनेल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थंबनेल सीखो आप लोग बनाना, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत एक्सेसिबिलिटी की कमी है, पर उसको भी हम एक्सेसिबल करवा सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर फीडबैक देके। तो 46% लोगों ने पिक्सल लैब को सपोर्ट किया है, पिक्सल लैब को कहा है कि अच्छा है, पर पिक्सल लैब अच्छा है ये मैं भी मानता हूँ, और मैं भी पिक्सल लैब का ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। लेकिन पिक्सल लैब में बहुत सारी चीज़ें टॉकबैक नहीं बोलता, इनेबल बटन बोलता है, और एक्शन मेन्यू पहले बोलता था, लेकिन अब आइकन मोड बोलता है, और थोड़ा सा कलर्स के लिए अगर एक्सेसिबल कर दिया जाए पिक्सल लैब एप्लीकेशन को, तो पिक्सल लैब इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन। 4% लोगों ने कहा है थंबनेल मेकर, मुझे लग रहा है थंबनेल मेकर के कोई बारे में कोई जानता ही नहीं है। अच्छा थंबनेल मेकर एप्लीकेशन के बारे में कौन जानता है, ज़रा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना। ये सवाल उन लोगों से 4% या जो लोग नहीं जानते, है ना। थंबनेल मेकर भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है ना, और इसमें क्या होता है कि इमेजेस पहले से होती है ना, जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ वहाँ पर कैटेगरी चूज़ करते हो टेक्नोलॉजी की, तो वहाँ पे मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप की फ़ोटो आपको मिल जाएगी। हाँ लेकिन थंबनेल एप्लीकेशन में एक थंबनेल मेकर एप्लीकेशन में थंबनेल मेकर है वो, ठीक है। तो मैं कमेंट करने वाले उसमें लिखना भूल गया था, सिर्फ थंबनेल कहा था मैंने, ठीक है। तो थंबनेल मेकर एप्लीकेशन में एक ऐसा और ऑप्शन होना चाहिए कि जिससे हम खुद से इमेज बना सकें, है ना। तो ये बात है ना, तो थंबनेल मेकर को 4% लोगों ने कहा है, 25% लोगों ने कहा है काइंड मास्टर एप्लीकेशन को। तो भाई देखो काइंड मास्टर को तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता, है ना, आप लोग करते हो बहुत अच्छी बात है। काइंड मास्टर में ये ना यार वो लैंडस्केप मोड में चलता है, काइंड मास्टर को बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल करने की ज़रूरत है। बाकी ऐप बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है ऐप अच्छा नहीं है, ऐप बहुत अच्छा है। काइंड मास्टर एप्लीकेशन को फीडबैक दे सकते हैं, है ना, अच्छा करने के लिए। और 25% लोगों ने कहा है नन ऑफ दिस, यानी वो या तो थंबनेल बनाते नहीं है या थंबनेल मतलब किन्हीं कोई एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते। तो भैया आप लोग थंबनेल बनाया करो, आप लोग टेक्स्ट टू इमेज कन्वर्टर का भी यूज़ कर सकते हो थंबनेल के लिए, जो मैं नहीं डाला था वहाँ पे, है ना। और पिक्सल लैब, थंबनेल मेकर और
काइंड मास्टर को फीडबैक यही दीजिए कि भैया प्लीज़ ऐप्स को एक्सेसिबल न बनाओ, ठीक है। आपके ऐप्स ब्लाइंड्स के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं है। प्ले स्टोर पर जाओ, रिव्यू लिखो और स्टार 5 की जगह 2-3-1 दो, क्यों? इससे लोग चेक करेंगे रिव्यू, है ना। तो यही था गाइस, और नेक्स्ट सवाल आपको कमेंट टाइम में मिल जाएगा। आई होप आप लोग नेक्स्ट सवाल में अच्छी वोटिंग करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।